Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics mentor. हम लोगों ने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था, इंटीग्रेशन. आज उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. 8.8 एक्सरसाइज आपके सामने है. आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो. वैसे तो बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग, लेकिन अगर मैं रिक्वेस्ट करूँगा तो शायद ले लेंगे. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपके पास बुक नहीं है तो, और बुक है तो बहुत अच्छी बात है. 8.8 एक्सरसाइज. आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे. पहले इसका कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, फिर इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे. इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है? ओके, स्टार्ट करते हैं. तो इसका कॉन्सेप्ट अगर मैं ओरल बोलूं, तो जैसे ये न्यूमेरिकल लिखा हुआ है dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर करके, फैक्टर नहीं बोलूँगा मैं, फैक्टर जब बोलूँगा, जब फैक्टर के नाम आता है तो आपका मेथड बन जाता है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, अभी मैं बताता हूँ. अभी हम लोग इसका परफेक्ट स्क्वायर करेंगे, ठीक है? इसका हम लोग परफेक्ट स्क्वायर करेंगे. तो परफेक्ट स्क्वायर से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है. और ये बात तो बिल्कुल सच है कि परफेक्ट स्क्वायर आपको करने आते हैं. तो न्यूमेरिकल फर्स्ट वैसा ही है, परफेक्ट स्क्वायर से हो जाएगा. सेकंड भी वैसा ही है. सेकंड में ये जो पार्ट है, इसके लिए हम लोग थोड़ा स्पेशल वर्क करेंगे. जब हम यहाँ पर आएंगे तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग इस न्यूमेरिकल को करते हैं. हाँ, पार्शियल फ्रैक्शन. अभी मैं बता रहा था ना, उस मेथड का क्या नाम है, पार्शियल फ्रैक्शन. अगर हम लोग फैक्टर कर लेते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होता है. वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हमारी एक्सरसाइज में आएंगे. अभी हम लोग नॉर्मल तरीके से काम करते हैं. तो नॉर्मल तरीका क्या है, तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं. क्लास ये क्लास 12th क्लास का लेक्चर चल रहा है आपका, और ये 8.8 एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है. फर्स्ट न्यूमेरिकल हो रहा है आपका, और फर्स्ट न्यूमेरिकल में लिखा है dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8. अब इसका मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना. देखो, परफेक्ट स्क्वायर से बेनिफिट क्या होगा, इस न्यूमेरिकल को आगे चलने दो, आपको आइडिया लग जाएगा कि हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है? तो इसका परफेक्ट स्क्वायर कर लेते हैं. तो परफेक्ट स्क्वायर का फंडा क्या होता है, ये बात बहुत ध्यान से आपको याद होगी. वैसे तो 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ा आपने, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 1 होना चाहिए, है. एक्स के मल्टीपल को फोकस किया, किया कितना है, माइनस 4. आप माइनस को छोड़ भी दोगे तो भी चलेगा, 4. उसका हाफ किया 2, उसका स्क्वायर किया, उसी क्वांटिटी को ऐड करना है. तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स का मल्टीपल 4, उसका कर दें हाफ, हाफ हुआ 2. 2 का स्क्वायर करेंगे, वो क्वांटिटी ऐड करनी है, उसी क्वांटिटी का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करनी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और प्लस 8 चल रहा है, वो चलने दो. ये पहला स्टेप है इसका. फिर dx डिवाइड. अब आप ध्यान से देखें कि ये जो तीनों हैं, आप ऐसे पेपर में नहीं करना, मैं तो फर्स्ट न्यूमेरिकल बता रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ. ये तीनों के तीनों एक होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का. तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर. हाँ, आपके पास ऐसा ऑप्शन हो सकता है कि जैसे 2 माइनस x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. आप ऐसा मत करना, आप हमेशा x माइनस 2 का होल स्क्वायर करना, क्योंकि फालतू का अननेसेसरी माइनस 1 से डिवाइड करना रहेगा, वो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, आंसर मैच नहीं करेंगे. आपके आंसर मैच करेंगे बुक से सारे x माइनस 2 के होल स्क्वायर से, ठीक है? यहाँ पर आपको माइनस 4 मिल गया और ये प्लस 8 है, तो इसका मतलब प्लस 4 मिल गया. तो क्या हम ये जानते हैं, अभी नहीं जानते, अब जानते हैं. अब हम इसका फॉर्मूला जानते हैं. परफेक्ट स्क्वायर करने से बेनिफिट क्या हुआ कि dx ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया 1 ओवर ए टेन इनवर्स x ओवर ए प्लस कांस्टेंट. ये आपका मेन फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला मैं यूज करूंगा और आंसर आएगा 1 ओवर ए, फिर लिखूंगा tan इनवर्स और x की पोजीशन पर x माइनस 2 है डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी. ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स? अब हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल लेते हैं, इसी का सेकंड पार्ट. तो सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसी का. ये तो आपका फर्स्ट पार्ट था फर्स्ट न्यूमेरिकल का, सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट में लिखा है dx ओवर, फिर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x
प्लस टू एक्स प्लस टू इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो देखो वैसे x का मल्टीपल 2 है तो 2 का हाफ करेंगे 1 आएगा, तो कई बार तो हम लोग डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं भाई, यहाँ प्लस 2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूँ, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, छोटा न्यूमेरिकल है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को एक साथ लिखते हैं और इस 1 को 1 में ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिखा है। अब भी डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, कैसे, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और ये फॉर्मूला बन गया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। फॉर्मूला मैं एक बार लिख चुका हूँ, वही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, तो फिर से 1 ओवर ए तो 1 ही है, टैन इनवर्स एक्स की पोजीशन पे डिवाइड बाय 1, तो 1 की तो कोई टेंशन ही नहीं होती, तो उसको लिखो मत, अच्छा नहीं लगता है। ये आपका आंसर आ चुका है, फाइनल आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। आप चाहें तो सेकंड न्यूमेरिकल हम यहीं पर स्टार्ट कर लेते हैं, पेपर की ज़्यादा वेस्टेज नहीं करते हैं। ये हमने सेकंड का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया है। न्यूमेरिकल में क्या लिखा है, डी एक्स ओवर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स था। ये वाले न्यूमेरिकल तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं, बट ये सॉल्व नहीं होगा डायरेक्ट। अब मुझे काम करना ही पड़ेगा, वही परफेक्ट स्क्वायर का, इसीलिए हमने डिस्कस कर लिया था फर्स्ट न्यूमेरिकल। एक्स स्क्वायर तो वही है, माइनस सिक्स एक्स तो वही है, एक्स का मल्टीपल है 6, उसका हाफ किया आएगा 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 आपने ऐड किया, 9 आपने सब्ट्रैक्ट किया, प्लस 13 आपका ऑलरेडी लिखा हुआ था, ठीक है। अगला स्टेप में आप क्या लिखने जा रहे हैं, डी एक्स तो डी एक्स है आपके पास, इंटीग्रेशन लगा दो। ये फॉर्मूला बन गया किसका, एक्स माइनस 3 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ठीक है, ये एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। और यहाँ पर आपको मिलेगा प्लस 4, 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला इसको ब्रैकेट में लिख दो, ऐसा नहीं लग रहा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो 1 ओवर ए और लिखेंगे हम लोग टेन इनवर्स एक्स की पोजीशन पे जो भी है और डिवाइडेड बाई ए प्लस सी, यही आंसर है। एक्स का कोई मल्टीपल होता तो हम डिवाइड करते, तो वो तो है ही नहीं, क्योंकि एक्स का मल्टीपल मैंने माइनस कॉन्स्टेंट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये आपका न्यूमेरिकल यहीं पर सॉल्व हो गया इतने स्पेस में। अब हम लोग अगला न्यूमेरिकल लेते हैं, वो भी नेक्स्ट स्पेस से, तो देखते हैं सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व होगा इसका। अब लोग सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, तो मैं लेता हूँ न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, सेकंड का सेकंड पार्ट। न्यूमेरिकल लिखा है मेरे पास x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx इंटीग्रेशन, इस टाइप का न्यूमेरिकल लिखा है। जब भी इस टाइप का न्यूमेरिकल मिल जाए, देखो डिनोमिनेटर में अगर मैं सपोज यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5 होता तो इस न्यूमेरिकल को मैं कैसे करता, स्प्लिट कर देता अगर 2x ना होता, क्यों, क्योंकि मैं x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5 को लिखता और 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5 को लिखता। जब x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5 को लिखता तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 को t ले लेता, x के साथ वो dt डिवाइड बाई 1/2 के साथ वो खत्म हो जाता, 1/t log t करके आंसर आ जाता। और एक 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5 करता तो 3 कॉन्स्टेंट उठता, 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देता। तो वो तो पैटर्न अलग है, बट यहाँ पर 2x भी है, इसका मतलब कुछ अलग है बात। अब कुछ अलग बात है तो इसको समझना पड़ेगा क्या सिचुएशन होती है। जब भी आपका न्यूमेरिकल पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म का बन जाए तो आपके पास एक पैटर्न है। क्या पैटर्न क्या है उसके लिए, कि नॉमिनेटर में जो लिखा है वो चीज़ हो जाती है, प्लस क्यों लगा दिया मैंने, हो जाती है किसके बराबर, डी ओवर डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी, ये आपने करना होता है। मैंने क्या लिखा है, जो नॉमिनेटर में लिखा है उसको बराबर हम लोग लिख देते हैं किसके, ए मल्टीप्लाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी।
अब जब हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे तो एक्स के कंपैरिजन कर लेंगे, एक्स के मल्टीपल का कांस्टेंट का कंपैरिजन कर लेंगे, तो ए और बी निकल कर आ जाएंगे। उनकी वैल्यू को अगर यहीं रख देते हैं वो इसके बराबर आ जाएंगी। मतलब न्यूमेरिकल में ये जो चीज़ लिखी होती है नोमिनेटर में, उसकी जगह मैं ये सब लिख सकता हूँ, फिर उनको स्प्लिट करता हूँ और देखता हूँ न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। अब आपको आइडिया लगेगा बेटर तरीके से, है ना। तो आओ देखते हैं, एक्स माइनस थ्री को हम लोग लिखने जा रहे हैं क्या, ए मल्टीप्लाइड बाई डेरीवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो डी ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव प्लस बी, एक्स माइनस थ्री। ए को मैंने होल्ड किया, अब डेरिवेटिव कितना होगा, टू एक्स होगा माइनस टू होगा प्लस बी होगा। अब आप देखेंगे, अब ब्रैकेट को ओपन कर लें तो एक्स के मल्टीपल का हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, एक्स के मल्टीपल का कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ पे एक्स के मल्टीपल का कंपैरिजन करेंगे तो वन मिलेगा, और यहाँ पर एक्स का मल्टीपल सिर्फ इसी के साथ है, वो भी टू ए है। इसका मीनिंग हुआ कि ए की वैल्यू वन ओवर टू हो गई। अब हम लोग कॉन्स्टेंट देखेंगे तो कॉन्स्टेंट में इस साइड तो माइनस थ्री लिखा है और इस साइड लिखा है इक्वल टू के माइनस टू ए प्लस बी, ये लिखा है। ए की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है वन ओवर टू प्लस बी, टू से टू कट कर देंगे माइनस वन, माइनस वन इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस टू मिलेगा, तो बी की वैल्यू मिलेगी माइनस वन माइनस टू, ए की वैल्यू हाफ मिली। इन दोनों वैल्यू को यहाँ एंटर कर देते हैं, इस इक्वेशन को बोल देंगे हम लोग फर्स्ट, इन दोनों को यहाँ एंटर कर देंगे। तो एक्स माइनस थ्री की पोजीशन पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ए के लिए वन ओवर टू तो टू एक्स माइनस टू, और बी के लिए माइनस टू। तो अब देखो आप, एक्स प्लस थ्री को अब इस चीज़ में लिखना होता तो इतना दिमाग लगाना मुश्किल था हमारे लिए, तो उसके लिए ये सब पैटर्न आ गया जिसने हमारा काम शॉर्ट कर दिया। ऐसा किया क्यों, क्योंकि एक्स प्लस थ्री की जगह अगर मैं इसको लिखता हूँ तो बेनिफिट क्या होगा, आओ देखते हैं। ये एक्स प्लस थ्री की जगह मैंने लिखा, डिवाइड में चल रहा था एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव, और ये डी एक्स और इंटीग्रेशन। मैं इनको स्प्लिट कर देता हूँ, अगले पेज से कर दें, स्पेस कम है यहाँ पर, है ना। तो नेक्स्ट पेज से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो आप इसको जल्दी से नोट कर लें, नहीं तो इस स्पेस का मैं यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि आपका फ्लो ख़राब हो जाएगा फिर। तो पहले मैं स्प्लिट कर देता हूँ, तो वन ओवर टू को मैंने बाहर लिखा है, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया, टू एक्स माइनस टू डिवाइडेड में चल रहा है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव, यहाँ मैंने डी एक्स लगाया, स्प्लिट कर दिया मैंने, ठीक है। ओके, यहाँ माइनस टू चल रहा है तो माइनस टू को बाहर लिख देंगे और यहाँ डी एक्स लगा दो, और डिवाइड में जो भी चल रहा है वो लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव। ये छोटा लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में देख लेंगे। ये चीज़ मिल गई है, ये आपने नोट कर लेनी है। अब मैं इस पार्ट को अगर टी लेट करूँगा तो वो डेरिवेटिव डायरेक्ट मुझे मिल जाएगा, तो डी टी डिवाइड बाई टी आ जाएगा, तो लॉग ही आंसर आ जाएगा। हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे आई, हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं आई, तो इसको आप आई वन कह दो, इसको आप आई टू कह दो, आई वन और आई टू को अलग अलग सॉल्व करो, ठीक है। तो हम लोग इनको अलग अलग सॉल्व करते हैं। आई वन आपके सामने है, मैं आई वन लिखा हूँ पहले, ठीक है, परफेक्ट। मैं यहाँ से बार बार पिक करना हूँ पड़ेगा, तो मैं लिख देता हूँ आई वन। तो आई वन जो भी लिखा है, वन बाई टू कॉन्स्टेंट हम बाद में देखेंगे, इंटीग्रेशन लगा लेते हैं, टू एक्स माइनस टू लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, और एक कांस्टेंट क्वांटिटी भी है आपके पास माइनस फाइव, माइनस फाइव डी एक्स। ये पार्ट आपका आई वन है, इसको कैसे सॉल्व करना है आपने, इसमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव को आपने टी लेट करना है, तो आपको मिलेगा टू एक्स माइनस टू और साथ में मिलेगा डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो आई वन की जो वैल्यू मिलेगी वो आएगी डी टी डिवाइडेड बाई ओनली टी, आंसर आएगा लॉग टी प्लस सी। सी को हम लोग बाद में लिखते रहेंगे, है ना, आई वन आई टू जब चलाते हैं तो सी को बाद में लिखेंगे लास्ट में। तो आंसर मिलेगा लॉग, और टी की पोजीशन पर जो भी इक्वेशन लिखी है वो लिख देंगे। ये आपके पास आई वन का रिजल्ट आ चुका है। अब आपका टारगेट है आई टू, टारगेट क्या है बोला आई टू, तो आई टू में लिखा है डी एक्स ओवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डी एक्स ओवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स फाइव।
ठीक है। तो इस टाइप के हम लोग न्यूमेरिकल आप सॉल्व करने जा रहे हैं, और अभी भी आपने पहला ही न्यूमेरिकल जो हमने सॉल्व किया था वो यही था, इसी टाइप का था। मतलब कैसे सॉल्व किया था, डी एक्स यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, एक्स का मल्टीपल है टू, उसका हाफ किया तो आएगा वन, तो वन को ऐड किया, वन को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस फाइव तो चल ही रहा है। यहाँ डी एक्स लिखा है या आई टू बराबर चल रहा है, लिखते रहो। ये पहले के तीन जो फॉर्मूले बना देंगे, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, यहाँ माइनस का सिक्स मिल जाएगा। अब इसकी जो लुकिंग है वो फॉर्मूले पर बना देते हैं, कैसे, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया माइनस स्क्वायर रूट सिक्स का होल स्क्वायर हो गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, और इसका आंसर आता है वन ओवर टू ए, आ गया ए, यहाँ लॉग, और जो एक्स की पोजीशन है वो माइनस ए की पोजीशन ओवर एक्स की पोजीशन जो प्लस स्क्वायर रूट सिक्स। अगर ये कांस्टेंट आपस में सॉल्व हो जाते तो वो ओपन करो, नहीं तो ओपन करने की कोई लोड ही नहीं है। तो ये आपके पास आई टू आ गया, लेकिन आपका आंसर तो आई होना चाहिए था, और आई में क्या क्या है, वन बाई टू आगे लिखा है आई वन के साथ में, और आई वन का रिजल्ट है ये, तो इसमें वन बाई टू आगे लिख दो, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव। अब आई टू के आगे क्या लिखा है, माइनस टू लिखा है, अब लिखेंगे माइनस टू लिखा है, मल्टीप्लाई करेंगे वन ओवर टू स्क्वायर रूट सिक्स लॉग एक्स माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट सिक्स एक्स माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट सिक्स प्लस सिक्स प्लस सी, लास्ट में टू से टू कट कर देंगे, और ये स्क्वायर रूट सिक्स था ना, सिक्स, ये गलती हो जाती, देखो एल लिखा है, मैंने बोला सिक्स ही होगा। ओके, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है। इस टाइप का न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, हम एक न्यूमेरिकल, ये लॉन्ग क्वेश्चन कहलाते हैं स्टूडेंट्स, याद रखना। ओके, अब हम लोग एक न्यूमेरिकल और लेते हैं, अच्छा न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल और करेंगे हम लोग। अब एक न्यूमेरिकल ऐसा करते हैं, डिवाइड का ले लेते हैं, सॉरी स्क्वायर रूट का ले लेते हैं, तो मैं थर्ड न्यूमेरिकल छोड़ देता हूँ, फोर्थ भी नहीं करूँगा, फिफ्थ कर लेते हैं। टाइम कितना है मेरे पास, 17 मिनट हो गए। फिफ्थ सिक्स भी छोड़ देते हैं, सेवन्थ ऐसा करते हैं, फिर तो बहुत ज़्यादा जंप हो जाएगा, जंप नहीं मारूंगा, इसी की प्रैक्टिस करते हैं। तो थर्ड का फर्स्ट करते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो अच्छी बात है, तो ओके, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हम लोग थर्ड का फर्स्ट पार्ट पिक करते हैं, थर्ड का फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, एक्स प्लस टू लिखा है, टू एक्स स्क्वायर लिखा है, प्लस सिक्स एक्स लिखा है, माइनस थर्टीन लिखा है, यहाँ डी एक्स और इंटीग्रेशन है। इस टाइप का न्यूमेरिकल है छोटा सा, आओ देख लेते हैं इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है। पहला टारगेट क्या है कि जो एक्स प्लस टू है उसको मैं लिखना चाहूँगा ए मल्टीप्लाइड बाई डेरीवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डी ओवर डी एक्स, टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस थर्टीन प्लस बी। एक्स प्लस टू कॉन्स्टेंट ए, यहाँ से आपको डेरिवेटिव मिलेगा फोर एक्स प्लस सिक्स प्लस बी। एक्स के मल्टीपल का कंपेरिजन करोगे तो इस साइड तो वन मिलेगा, इस साइड फोर ए मिलेगा, तो ए की वैल्यू मिलेगी वन ओवर फोर। अब हम लोग कॉन्स्टेंट देखेंगे तो यहाँ टू है और ये सिक्स ए है प्लस बी, टू सिक्स मल्टीप्लाइड बाई ए की जगह वन ओवर फोर और ये बी। थ्री से यहाँ थ्री मिलेगा, यहाँ टू मिलेगा, टू से कटिंग करने के बाद ये बी है, टू में से थ्री बाई टू निकालेंगे तो वन बाई टू मिलेगा, ठीक है। तो आपके पास ए आ गया और बी आ गया। अब आप देख रहे हैं इस इक्वेशन को आपने अगर फर्स्ट बोला होगा तो एक्स प्लस टू की जगह क्या बन चुकी है बात, ए वन ओवर फोर फोर एक्स प्लस सिक्स और बी प्लस वन ओवर टू। इनको हम लोग यहाँ पर एक्स ओवर टू की जगह, एक्स प्लस टू की जगह पुट करने जा रहे हैं, तो वन ओवर फोर फोर एक्स प्लस सिक्स प्लस वन ओवर टू डिवाइडेड टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस थर्टीन डी एक्स। हम लोग स्प्लिट कर देते हैं, तो वन ओवर फोर एज अ कॉन्स्टेंट, फोर एक्स प्लस सिक्स इन अ ब्रैकेट टू एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस सिक्स एक्स माइनस थर्टीन डी एक्स, प्लस वन बाई टू कॉमन डी एक्स ओवर
टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस थर्टीन, यहाँ तक न्यूमेरिकल बन चुका। अब आप निकाल रहे थे आई, आप क्या निकाल रहे हैं, आई निकाल रहे हैं, आई का आंसर आपको सर्च करना है। तो आपने लेट कर लिया इसको आई वन, इसको आई टू, ठीक है। आई वन के लिए आपने अगर वर्क करना स्टार्ट किया, फोर एक्स प्लस सिक्स डिवाइडेड टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस थर्टीन डी एक्स इंटीग्रेशन, आपने इसी पार्ट को आई वन लिया है, वन ओवर फोर आपने बाद में देख लेंगे। तो डिनोमिनेटर में जो भी पार्ट है अगर आप इसको टी लेट कर लेते हैं तो देखो क्या वो कमाल होता है, टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस थर्टीन को आपने टी लिया, यहाँ मिलेगा फोर एक्स प्लस सिक्स और ये डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब आप देख रहे हैं जो नोमिनेटर में है मेरे पास उसकी वैल्यू बन गई डी टी, डी टी डिवाइड बाई टी। अगले पेज से मैं दिखाता हूँ आपको, डी टी डिवाइड बाई टी आई वन है, ओके परफेक्ट। तो आई वन हम लोग निकाल रहे थे डी टी डिवाइड बाई टी, ये सब आपको पता है, आंसर आएगा लॉग टी, आंसर आएगा लॉग टी की जगह आएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस थर्टीन। ये सारी चीज़ें मुझे याद हो गई हैं, टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस थर्टीन, वाओ अच्छा प्रैक्टिस है, हो गया, ये हो गया आई वन। अब हम लोग निकालेंगे आई टू को, आई टू में भी मुझे लिखना है डी एक्स, जो इसका मल्टीपल है ना उसको बाहर रखेंगे, वन बाई टू बाहर रखेंगे, टू एक्स स्क्वायर तो वही होगा टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस थर्टीन, इसको देखेंगे। अगर मुझे इसके फैक्टर करने हैं, फैक्टर नहीं क्या बोलते इसको, परफेक्ट स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल हम लोगों ने वन रखना है, तो पहले मैं इसका ले लूँगा टू कॉमन, तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थर्टीन ओवर टू, पहला पार्ट तो ये होगा। फिर वन ओवर टू तो बाहर ही आपके पास, ये डी एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर भी है, यहाँ पर थ्री एक्स भी है, तो एक्स का मल्टीपल कितना है थ्री, इसका हाफ कितना था थ्री बाई टू, तो नाइन बाई फोर को आपने ऐड किया, नाइन बाई फोर को आपने सब्ट्रैक्ट किया, माइनस थर्टीन ओवर टू को भी लिखा आपने। फिर वन ओवर टू भी आपके पास है, डी एक्स भी है, और जो पहले तीन है वो फॉर्मूला बनाएंगे एक्स प्लस थ्री ओवर टू का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएंगे। यहाँ पर नाइन ओवर फोर है, यहाँ पर अगर मैं टू टू की मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी फोर हो जाएगा, ये ट्वेंटी सिक्स हो जाएगा, छब्बीस बटे चार हो जाएगा, ठीक है। तो ट्वेंटी सिक्स में अगर मैं फोर ऐड करूँगा तो हो जाएगा थर्टी, थर्टी फाइव, तो निगेटिव का थर्टी फाइव ओवर फोर, इनको सॉल्व करने के बाद यही आएगा, आप एलसीएम लगा के सॉल्व कर लेना। अब क्या करने वाले हैं, वन ओवर टू डी एक्स, एक्स प्लस थ्री ओवर टू होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट थर्टी फोर, थर्टी फाइव है, थर्टी फाइव डिवाइडेड बाई टू, उसका स्क्वायर कर देते हैं अब, तो टू का स्क्वायर फोर हो गया, स्क्वायर रूट अपने आप गायब हो जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की लुकिंग बन गई है, तो उसका आंसर आता है वन ओवर टू ए, वन ओवर टू ए, और ए की पोजीशन क्या है, स्क्वायर रूट थर्टी फाइव डिवाइडेड बाई टू, वन ओवर टू ए, साथ में लिखते हैं लॉग, फिर लिखते हैं एक्स की पोजीशन माइनस ए की पोजीशन डिवाइड, फिर एक्स की पोजीशन, फिर प्लस स्क्वायर रूट थर्टी फाइव डिवाइडेड बाई टू, टू से टू की कटिंग कर दी, तो अब आपके पास आई टू का आंसर ये आ चुका है, आई टू चल रहा था सब, ठीक है, हर जगह आई टू लिख दिया मैंने। आपका टारगेट था आई, आई को अगर लिखना है तो आई वन के साथ है वन ओवर फोर, तो सबसे पहले वन ओवर फोर लिखना पड़ेगा, और आई वन, आई वन आपके पास है लॉग के साथ में टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस थर्टीन, ठीक है, आई वन प्लस हाफ, प्लस हाफ, फिर है आई टू, और आई टू की पोजीशन है अगेन वन ओवर टू, और डिवाइड में स्क्वायर रूट थर्टी फाइव भी है, साथ में लॉग है, और आप चाहें तो ऐसे हम ले सकते हैं, टू एक्स हो जाएगा, ले लें, मैं तो नहीं ले रहा, तो एक्स प्लस थ्री ओवर टू माइनस स्क्वायर रूट थर्टी फाइव ओवर टू, एक पार्ट ये है, और एक्स प्लस थ्री ओवर टू प्लस स्क्वायर रूट थर्टी फाइव डिवाइडेड बाई टू, एक पार्ट ये है, प्लस सी, ये आपके पास फाइनल आंसर है, ये इतना बड़ा आपके पास फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया, बट न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट था, करना पड़ा पूरा, ठीक है। तो आई होप आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा, ये न्यूमेरिकल लॉन्ग क्वेश्चन आप देख रहे हो कहाँ से स्टार्ट हुआ है,
इस वाले पेज से स्टार्ट हुआ था, 13 के फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, और यहाँ तक चला है आपका नोवेकर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ओके, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।